सिंधवी विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी प्रत्याशी मुख्तार अहमद ने मंगलवार को गोविंदपुर के फकीरडी बलियापुर समेत कई क्षेत्रों में सघन जनसंपर्क अभियान चलाया। साथ ही उन्होंने फकीरडी में पार्टी का चुनावी कार्यालय का भी उद्घाटन किया। वहीं मिरर मीडिया से बात करते हुए मुख्तार अहमद ने बताया कि क्षेत्र में जहां भी जनसंपर्क के लिए जा रहे हैं उधर जबरदस्त जनसमर्थन देखने को मिल रहा है। इस बार सिंधरी की जनता ने परिवर्तन का मन बना रखा है और इस बार परिवर्तन होकर रहेगा। पुराने जनप्रतिनिधियों ने कभी जनता की भलाई के लिए काम नहीं किया, जिसकी वजह से आज ही पूरा अल्पसंख्यक इलाका उपेक्षित है। क्या कुछ कार्यक्रम यहाँ पर हुआ? धन्यवाद सर। फकीरडी की आवाम द्वारा यहाँ पे एक ऑफिस खोला गया। उन्होंने ऑफिस खोला, अपनी खुशी से खोला, जो कि ये प्यार बहुत अच्छा लगा इन लोगों का प्यार। और यहाँ से ऑफिस खोलने के बाद अभी दौरे पे निकले हैं हम लोग। यहाँ की आवाम से बहुत बहुत उम्मीदें जागी उठी हैं। अब ऐसा महसूस होने लगा है, महसूस किया, इन्होंने कंफर्म कर दिया कि हमारी जीत पक्की होगी। बलियापुर के जाने वाले हैं जी? बलियापुर में भी हमारा प्रोग्राम है और उसके बाद विकराजपुर में प्रोग्राम है, उसके बाद कई जगह हैं जहाँ जहाँ कार्यकर्ता लोग हैं हमारे और आवाम बुला रही है, उसी हिसाब से हम लोग जाना कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं में क्या परिवर्तन की लहर दिख रही है? लोग कह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन करेंगे सिंधी में या फिर पुराने लोगों को ही दोहराएंगे? व्हाई नॉट, लोगों की अब सोच नहीं हो गई है, नया चेहरा लाना चाहते हैं। और हम नहीं, आवाम बोलती है। आपको भी सब जगह आप इंटरव्यू ले रहे होंगे, आपके भी लोगों से ताल्लुकात होंगे, आपको भी पता चल रहा होगा कि इस बार टीएमसी की सरकार यहाँ पे बनने जा रही है। लेकिन जो स्थानीय विधायक हैं इस बार, चूँकि पहले तो वो बीजेपी से थे, इस बार दल बदल कर उन्होंने जामुमों का दामन थामा है और फिर से वो जीत का दावा कर रहे हैं, क्या कहें सर? जो आवाम की एक्टिविटी है, जो जनता जनार्दन जैसा चाहती है वैसा ही होता है। और लोग अब जिस हिसाब से उनको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, नया चेहरा लाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। क्या लगा दल बदलों को छोड़ देगी यहाँ की जनता? जैसा कि लोग बोलते हैं, एहसास तो होता ही होगा, जैसा कि लोग बोल रहे हैं कि नहीं, अब उनको अब की बार टीएमसी सरकार। ठीक है।